15 दिन में ये बीजेपी नेता अपना लेगा मुस्लिम धर्म, खबर मिली तो नागपुर से दिल्ली तक मच गया हंगामा। आखिर क्या है ये सियासी ड्रामा? पार्टी में अनदेखी और उपेक्षा से परेशान नेता ने दिया अल्टीमेटम, अब चाहे जो हो जाए कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं धर्म परिवर्तन करके रहूंगा। परेशान बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट और पोस्ट के साथ इरादे कर दिए साफ, जो होगा सो देखा जाएगा, बर्दाश्त की हद हो गई है पार। एक तरफ बीजेपी नाम बताने पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ अब बीजेपी नेता ने ही मुस्लिम धर्म अपनाने का ऐलान कर दिया है। खबर मिली तो फिर खलबली मच गई और हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी में हो रही अनदेखी और तमाम ऐसी बातों जिनको बर्दाश्त कर पाना जब मुश्किल हो गया, तो फिर बीजेपी नेता ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर सीधे सीधे मुस्लिम बनने का ऐलान कर दिया। अल्टीमेटम देने वाले बीजेपी नेता की माने तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार उसे अनदेखा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी एक नहीं सुनी गई तो वे 2 सप्ताह के अंदर मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि पार्टी के बड़े नेता उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे में उनके मन में आ रहा है कि वे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। बरेली में बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल की एक फेसबुक पोस्ट के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। फेसबुक अकाउंट से उनकी इस पोस्ट को हटाने के लिए कुछ पदाधिकारियों ने उन्हें फोन भी किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। बीजेपी बरेली महानगर उपाध्यक्ष का 1.5 साल पुराना जानलेवा हमले के मुकदमे में 3 दिन पहले शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। मामला साल 2022 का है, जब एक सिपाही के बेटे के साथ उनकी नोकझोंक हो गई थी। मामले में प्रदीप की लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था, जिसमें सिपाही का बेटा हिमेश घायल हो गया था। मामले में महानगर उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। इसी केस में डीएम रविंद्र कुमार ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी नेता के दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। लाइसेंस रद्द होने से रोकने के लिए बीजेपी नेता ने लाख प्रयास किया, लेकिन उनकी एक न चली। ऐसे में निराश होकर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे मामले का किसी नेता, मंत्री, सांसद ने संज्ञान नहीं लिया, मेरा साथ ना देते तो कम से कम साथ खड़े होकर प्यार से 2 बोल ही बोल देते। मन में विचार आ रहा है कि मुस्लिम बन जाऊं, उन लोगों के साथ रहने पर पीड़ा तो होगी, मगर इस बात का दुख नहीं होगा कि कोई बोल नहीं रहा। बाकी जो भाग्य को मंजूर हो, यदि मेरी बात नहीं सुनी गई तो 15 दिन में मुस्लिम धर्म अपना लूंगा। इधर बीजेपी नेता ने पोस्ट किया और उधर बीजेपी में खलबली मच गई। नागपुर से लेकर दिल्ली तक धमाचौकड़ी मच गई और दिल्ली के बाद लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे। एक के बाद एक मोबाइल पर संदेश आने लगे और सोशल मीडिया पोस्ट पर लोग एक के बाद एक कमेंट करने लगे। किसी ने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, तो किसी ने कहा कि जब अपने धर्म के लोग नहीं सुनते हैं तो फिर दिल में ऐसा ही दर्द होता है, तो किसी ने कहा कि अब जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता की पोस्ट के बाद लगातार खलबली का माहौल है और उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ दिल्ली और नागपुर में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि जो उपेक्षा का आरोप बीजेपी नेता ने लगाया है उसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।